विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आज आयोजित किया गया। सीधे रुक करते हैं कार्यक्रम का, जहां इस वक्त संबोधित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन राज्य मंत्री बना करके ये दायित्व दिया और आज हम लोग विश्व पर्यटन दिवस के ऊपर विभाग के द्वारा तैयार जो बुकलेट्स और जो कार्यक्रम जो लॉन्चिंग किए गए, जिनका विमोचन किया गया और जो दो साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ पर्यटन विभाग में, मैं समझता हूं वो ऐतिहासिक है। कोरोना काल में हम सबको प्रभावित किया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा तो मैं और मेरे विभाग रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पर्यटन और शिक्षा दोनों ही प्रभावित रहे। लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बच्चे संक्रमित भी नहीं हो, और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के प्रयास किए कि कैसे हम वापस इस पर्यटन में लोगों जो पर्यटक चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, वो कैसे आए और कैसे लोगों को रोजगार मिले। और जो राजस्थान में बहुत अच्छी चीजें पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में विख्यात हैं, चाहे किले हो, महल हो, बावड़ियां हो, चाहे मिट्टी के दौरे हो, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, मैं समझता हूं मंदिर, वन जीव, झीलें, ये ऐसे ऐतिहासिक हमारी धरोहर हैं जो हमको विश्व में एक अलग पर्यटन के क्षेत्र में दर्जा प्रदान करते हैं। काम बहुत हुआ, पर्यटन नीति भी आपने लागू की, गाइड की प्रॉब्लम थी उसको भी आपने समझा, उनके मानदेय को बढ़ाया, उसकी क्वालिफिकेशन आदि में भी कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको किया जाए। और जो ऐतिहासिक एक काम जिसके अभाव में हर व्यक्ति कहता था कि सब बजट नहीं है इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूं 500 करोड़ रुपए का बजट जो पर्यटन विकास कोष की स्थापना करके दिया है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक संबल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे इस विभाग को दिया है, मैं समझता हूं ऐतिहासिक है। कल परसों में जो वर्चुअल रोड शो कर रहे थे फिक्की के, उसमें सबने ये कहा कि हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि पर्यटन के क्षेत्र में इतनी दिक्कत आने के बावजूद राज्य सरकार इस तरीके के नए प्रयोग भी कर रही है, बजट भी दे रही है, और लोग बाग उसकी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हम लोग देख सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। अभी जो पेइंग गेस्ट की जो स्कीम गेस्ट हाउस की है वो बहुत अच्छी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने दिशा निर्देश दिए और विभाग इस दिशा में बढ़ा कि घर में रह करके एक व्यक्ति, एक तो घर का खाना उसको मिलेगा और एक वो उसकी कल्चर से वाकिफ होगा कि किस प्रकार से ये लोग बाग रहते हैं, इनकी दिनचर्या कैसी है, इनका खान पीन कैसा है, इनकी वेशभूषा कैसी है, एक सुरक्षित भी महसूस करेगा। कानून में परिवर्तन की बात आई तो कानून में परिवर्तन हुए, FIR के लिए अगर थाना नहीं हो तो SP के जाकर के भी कर सकता है, तो इससे सुरक्षित महसूस करने लगे पर्यटक। अब धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप कम हुआ है तो मैं समझता हूं इसको और हम लोग आगे ले जाएंगे। विभाग के अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चेष्टा के साथ में काम किया है, इसकी मैं समझता हूं जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं मंत्री हूं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे पास कोई बड़ा स्टाफ नहीं होता है, बड़ा कोई करने को कुछ नहीं होता, लेकिन जो पर्यटन के क्षेत्र में जो नवाचार और जिस तरीके के काम किए हैं, मैं समझता हूं वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाले हैं और हम सबको आगे ले जाने के लिए हैं। RTDC के बारे में मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हमको चर्चा करके आप मार्गदर्शन दें कैसे इसको हम आगे बढ़े, क्योंकि 2015 में जो निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था उसके बाद में हम RTDC के बारे में आगे नहीं बढ़ पाए। तो मैं आज अपेक्षा करूंगा कि आपका मार्गदर्शन हमें जल्दी मिले और हम किस तरीके से आगे इसमें बढ़ें।
अभी बजट में आपने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, जो सभी धर्मों के धार्मिक प्रोजेक्ट्स, शेखावाटी सर्किट, गोडावण सर्किट, कितने चीजें आपने दी हैं। इसके वनिस्पत आप देखिए उल्टा कि भारत सरकार से हमें 9 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट हमें स्वीकृति नहीं मिली। तो मैं समझता हूं जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात है वो हमारी प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जो टीले, धोरे, जो ऊंट या जो भी